हाँ जी सत श्रीकाल बच्चों सारू। अज बच्चों इस समॉल वीडियो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन शेयर करनी है भी आने वाले 4-5 महीनों के लिए अपने को बेस्ट स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सब तो बड़ी गल ये है आम तौर पर बच्चे पहला जो इनसिक्योरिटी फील करते होंगे सी इनसिक्योरिटी इस नवी सरकार के मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ काफ़ी बच्चे हजे भी बहुत वीडियोज के नीचे कमेंट करते हैं कि सर जी पुरानी पोस्टों का की होगा या जो पहला मतलब रिजल्ट भी आ चुके उन्हें ज्वाइनिंग का की बनेगा या जो पहला वैकेंसियां बिच लड़कियां पईआं उन्हां दा की बनेगा। अगेन आपां नूं मैनूं लगदा वी हुण आपां नूं बाहली अच भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सरकार का एजुकेशन ते हैल्थ सैक्टर वल विशेष रूप से ध्यान होगा। तो सब तो वड्डी गल की है कि जो अपना मतलब नवा मंत्री है मिनिस्टर है वह भी बहुत मतलब यंग मिनिस्टर है तो आम तौर तो इसे फील्ड में बिलोंग भी करता है वो खुद कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी करते रहे है तो उन्होंने चंगी तरह पता भी बच्चों के दुख दर्द तकलीफा की होंगे है। बस हाँ वो बार बार कह रही है सू टाइम दियो 10-15 दिन दियो फिर सू सहन करना सीख लैन दो भी मतलब इनसिक्योरिटी हूँ आपको फील नहीं करनी चाहिए रैदर दैन हूँ अपना ध्यान होना चाहिए भी आप हूँ जो भी वैकेंसियां आउट हो उदे लई अपनी मतलब स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये लगता है भी अपना जो आने वाला टाइम है बेस्ट स्ट्रैटेजी लिए आप 4 से 5 महीने मन के चल सकते हैं क्योंकि हले मतलब फुल फ्लैज बजट पास होगा नोटिफिकेशन आएंगे हले महकमे वालों भी मतलब एप्लीकेशन पहुँचनगियाँ कि इस महकमे कि पोस्टा खाली है बाकी सरकार ने डिसाइड करना है भी किड़ियाँ पहला भरीए कि बाद भरीए हजे अपन मुख्य रूप से यह भी क्लीयर नहीं है कि किस डिपार्टमेंट दिनिया पोस्ट हैं। हाँ इन्ना अपन पता उत्तों लग गया सी जो मान साहब ने आप ही कहता कि 10,000 प्लस पोस्टा अपन कलिया पंजाब पुलिस के रिलेटड हो बट मैं अज जी सुनना वीडियो गल सी करनी है वो ये करनी है जी सब तो ज्यादा डिमांड आ रही है डिमांड तुम समझ गए होंगे बहुत बहुत मतलब ऊट पटांगे बहुत सुनू मैं इन्ना ज्यादा मिले है कि सर तुम साढ़े घर आके पढ़ के दिखा दो सू मन जाएंगे जे ना कहने तुम मतलब अकबर का मतलब बाबा जो ना इन्होंने चाचे तैन के रिश्ते बदलते तो क्या मेरा नाम बल्टा दौ भी सर जी कि मर्जी जोर ला लो साढ़े घर माहौल नहीं बनता तो मैं भी लग रहा है क्योंकि आम तौर पर देखो तुम सोचते होंगे मैं क्यों कह रहा है भी मतलब स्टूडेंट डेली सैकड़िया से कमेंट कर रही है भी सर तुम मेरे वर्ग जिन्ना को ऑनलाइन इंट्रस्ट ही नहीं बनता उन्होंने बारे प्लीज कुछ सोच लो भी मतलब बहुत बहुत सुनने मिल रहा है भी सर तुम कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाओ भी असं ऑनलाइन तो ऑफलाइन के 3 महीनों के जबरदस्त तरीके सिलेबस कवर कर सकी इधर ही अपने वो सारी टीम है वो बहुत स्ट्रोंोंग चाहिए है तो मैं लगता है भी टीम इस समय पंजाब नंबर एक टीम देवे पंजाब नहीं आने वाले समय के चाहे तुम हरियाणा हिमाचल तो राजस्थान की गल करो हर एग्जाम की तैयारी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हर एग्जाम की तैयारी आप बहुत ही जल्द हर तरीके के बैच आप लॉन्च भी करा ये तो तुम देखते जायो बाकी तुम्हें पता लग ही होगा तुम नवा संकेत भी मिल गया होगा संकेत मतलब की है संकेत सर अपने पहुँच चुके हैं उन्हों का बहुत ही तकड़ा एक्सपीरियंस है मैथ रीजनिंग के मैनू नहीं लगता भी तुम कि टफ तो टफ क्वेश्चन भी इन्ना सुनू वह ईजली आराम भी जिम्मे प्यों प्यों के मारन गए थोड़े वो भी मतलब प्रोफेसनलिजम एट इट्स बेस्ट है मतलब सिलेक्शन करवाने वाले तुहानू क्वेश्चन करवाए जाएंगे रेसो का चैप्टर ऑलरेडी उन्होंने यूट्यूब पर अपना स्टार्ट किया होया तुम उतो आप डेमो भी लिया सकते हो सो अपने नाल स्पैशल विशेष रूप से ऑफलाइन के भी उही टीच करेंगे सो ओवरऑल अपना जो स्टाफ होगा बहुत जबरदस्त होगा तो समझ ही गए होंगे बच्चों आप गल कर रहे हैं ऑफलाइन की आप बच्चों गल कर रहे हैं ऑफलाइन की जो कि सारियां दे लई एक हिसाब नाल खुशखबरी है पहली खुशखबरी अपनी नवी सरकार बनती है मेरे अकॉर्डिंग दूजी खुशखबरी अपनी सब तो वड्डी ही होनी चाहिए है कि बहुत बच्चों ने कहा मतलब इमोशनल जो डायलॉग भी मारे कि सर जी किन्नी मर्जी जोर ला लो भी तुम इतने कैमरे से कितना मर्जी देख देख बोली चलो बट साडा बड़ा मन करता है कि सोडे सामने बैठ के पढ़िए अखा च अखा पा के पढ़िए भी जो क्लास च बाबर पढ़ते हैं हमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां पढ़ते हैं वो गल बनती नहीं और रौनक मेला बनता नहीं सो असी भी उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये सैशन हम स्टार्ट कर जा रहे हैं ऑफलाइन के मंडे तो स्टार्ट कर जा रहे हैं ये अपने सैशन कितने होंगे एड्रैस की होगा पहली गल तो एड्रैस पर तुम्हें पता ही है जो तो बठिंडा आप बोलते हैं तो बठिंडा तुम्हें पता ही है फिर अपना जद्दी पिंड अपना बठिंडे आप जद्दी सड़क ही समझ लो भी जद्दी सड़क अपनी कि है अजीत सिंह रोड है तो कुल मिला के फिर इस रोड से जो तो बस तुम फौजी चौंक तो एंट्री मारोगे तो पहले अखा च अपना बोर्ड ही बच्चों बजा करूगा समझ गए होंगे जमा स्टार्टिंग 4-5 बिल्डिंग 5वीं बिल्डिंग है
जी भी फिर अपनी बच्चों इतने ऑफलाइन के क्लासा स्टार्ट हो जा रही ने। इतने से मैं दो चार गल्ला होर भी दसनिया। पहली गल तो इतने आप टाइमिंग बढ़ा के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचा सारा प्लैन मतलब फुल फ्लैज बनावे आप भी जीके च की होंगे, मैथ्स की होंगे, रीजनिंग की होंगे, तो इंग्लिश अगेन इंग्लिश एक्सपर्ट भी अपने बहुत तकड़े होंगे। तो वैसे मैडम में जानते हो कुछ आकड़ी गल नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस उन्हों का ओवरऑल। तो हम पहले दिन ही आपका सारा आपका तुम्हें की है फुल फ्लैज प्लैन दसांगे भी आए नहीं होंगे। आम तौर पर की कहते होंगे बहुत बच्चे नीचे कमेंट भी करेंगे भी सर जी सोमवार तो डेमो स्टार्ट है। आप डेमो नहीं बचो कहना, सोमवार तो अपनी क्लासेस स्टार्ट है। डेमो के चक्कर के आपका कुंडा ना करा लियो, इस पहला ही दस देना चाहना। डेमो कुछ होर होंगे आपको देख जाते आप देखने जाने हैं डेमो। हूँ डेमो चीज़ किसी किए परख लोगे? पहली गल तो स्टूडेंट किसी टीचर छेती छेती नहीं परख सकता, ये भी रियलिटी है। कोई भी टीचर कोई भी आपका स्ट्रोंोंग ऑबवियस है किसी न किसी मड्यूल च किसी न किसी टॉपिक के किसी न किसी चीज़ों से वो बहुत मतलब उन्होंने इंट्रस्ट के प्रजेंट कर सकता है। डेमो सू दिखाऊगा तो 15 दिन बाद फिर तुम्हें की है तारे दिसन लग जाएंगे। 20 दिन बाद फिर तुम्हें पता लग जाता कि समान तो इन्होंने को मुक गया तो जमी मारे गए। आप महीने के बाद तो फिर तुम यदि क्लास से मतलब 100 जाना होंगे 50 की रह जाते हो, 2 महीनों बाद तो जमी भंबड़ा भूं हो जाता है। तो डेमो हाँ डेमो का मतलब यह होंगे कि तुम टीचर आए देख आओ भी भाई जो पढ़ा रहे हैं वो सू समझ आ कि नहीं आता। आ डेमो होंगे रैदर दैन चैक करना आओ भी इनू कि आंदा टीचर दे अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने आपका लैवल चैक करना होंगे वो आप फिर भी तुम चैक कर आ सकते हो। वैसे तो ऑलरेडी अपना कंटेंट बच्चे बहुत है यूट्यूब तुम अपने चैक कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये होगा भी अपन क्लासा जो मंडे तो स्टार्ट होनी है बहुत सी आमेंटा ढेरें ढेरी से ऑफलाइन कदों ऑफलाइन कदों तो मैं लग्या यार भी जो बच्चा इन्ना दिलों पढ़ना चाहता है भी चल ठीक है। वैसे मैं 7 साल पहला ऑफलाइन ही टीच करे है, सच पुछो तो मैं इस सिस्टम चो निकलना चाहता सी बट नवी सरकार है नवी उम्मीदा नवा जोश है। एक बार कहते फिर मैं सोच लिया भी यार अजीत सिंह रोड से उत्तर मन के चलो भी बस 15 दिन बाद ही निकला करा बस जिमें पंजाबी कहते हैं भी बस भी गोलगप्पे खान जाया करा भी मतलब सड़क में आप एक बार त्याग देना भी ऑनलाइन के आप सख्त मेहनत करनी है बट नवी वैकेंसियां नवा जोश खास करके पंजाब पुलिस में लैके ज 15 हज़ार होर पोस्टा लैके तो मजबूरी बन गया भी आपको स्टार्ट करना पेगा फॉर स्टूडेंट्स ही करना पेगा। इस करके कमाल मनोगे मैं कल भी इन्ना ज्यादा बिजी रहा इतने सारा सिस्टम है क्योंकि बिल्डिंग में रात रात उ सारा सिस्टम लैना अस्टैबलिश करना सौदेबाजी करनी ये बहुत मतलब टफ जॉब होंगी है बट फिर भी अभी विद इन 24 आवर्स ये सारा काम नबेड़ लिया क्योंकि स्टूडेंट्स का यही कहना है कि सर जी असं तो मंडे तो आ रहे हैं बेजक जी सूँ तो तुम आप गली बह के पढ़ा लियो क्योंकि काफ़ी बच्चे अपने घर भी आते हैं उन्होंने पता भी सर जी गली बंद है कि वो कहते गली बंद है कहने आप बोर्ड कहते गली ची ला लाँगे ग्राउंड के मेला अपने की है गली ची लगेगा बट फिर भी आपको गली च नहीं बिठाते वधिया फुल फ्लज बिल्डिंग बिठा के आप तैयारी स्टार्ट करवावे। हाँ बच्चों ऑफलाइन अपना कोर्स है स्टार्ट होगा मंडे तो मंडे में जो इतने आऊंगे उसमें सारा आप उत्थी दसागे। वैसे तुम्हें मैं इतने तक नहीं दसना है ना भी मैथ है रीजनिंग है जी के मतलब सारा कुछ की होगा कि अपना सिलेबस रहेगा 3 महीने आप किमें कवर करवावे वो सारी स्ट्रैटेजी रैदर दैन इतने आप टाइम वेस्ट करा आप इतने ही लावे तो आप फेस टू फेस सही तरीके आप प्रजेंट कर सकी तो डाउट भी ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकी। आई उन्होंने काफ़ी बच्चों ने कहा कहते सर जी फिर भी तुम चलो ठीक है भी बेस्ट पढ़ा रहे हो बेस्ट समझ आ भी रहा है कोई शक वाली गल नहीं बट फिर भी कुछ गल्ला तुम्हें ए लगता है भी जो तुम पढ़ा रहे होंगे भी असं यार हाथ चक के तुम रोक के इतना गल पुछना चाहते हैं वो हूँ मजबूरी है हम फोन चाह पुछ नहीं सकते वो जो उन्होंने पूछेंगे उदो फोन साथ कई बार नहीं चक्या जाता। वैसे ये अपनी शिकायत अज तक नहीं आई वैसे ये शिकायत अज तक नहीं आई पर बच्चा फिर भी झिझक जाता है भी यार हम आ डाउट स्पैशल फोन ला के पूछा यार भी यार नहीं पता भी मूहरों की बोल पे बहुत बच्चा इनसिक्योर फील करता है। तो ये सारिया चीज़ों का समाधान भी अपना मंडे तो हो जूगा। मैं फिलहाल सुनो बच्चों टाइमिंग दसदा टाइमिंग अपनी होगी सुबह 10 बजे। सो ये मैं डेमो नहीं कहूँगा भी डेमो देखना हो अपना मंडे तो सिलेबस ही स्टार्ट होगा नॉट डेमो। मैं फिर कह रहे हैं ये डेमो नहीं बच्चो अपनिया क्लासेस स्टार्ट होनगियाँ मंडे नू आके। हाँ डेमो मतलब ये होंगे कि तुम 3-4 दिन पहला क्लासा ला के देख लियो साढ़े वालों सिलेबस मंडे तो स्टार्ट है। सो मेक श्योर भी तुम ट्यूजडे वैडनसडे थर्सडे जिन्ना तुम लेट होंगे जाओगे वो सा सारा पोर्शन स्किप हों जाऊगा जोड़ा मैं अक्सर कहना हूं कि ऑफलाइन के बहुत व्डा डिसएडवानटेज है।
क्योंकि तुम ऐ तो है नहीं कि बुधवार को आके इतने मैं मतलब मंगलवार से बैक लै जाओगे कि सर ने इतने मंगलवार को की बोलिया सी सोमवार को की बोलिया। जिहड़ी चीज़ गई समझो गई, जिहड़ा दिन गया समझ लो गया। बट उहदे नाल भी आपां फैसिलिटीज़ ऑनलाइन दियां रखांगे, उहदी आपां वर्कआउट करांगे कि तां जो तुहानूं कंटेंट रिवीजन दे लई घरे जाके ऑनलाइन वास्ते भी तुसीं की आ बस जांदे जांदे की आपदा रिवाइज कर लो। वैसे बस च भी नहीं करना, तुसीं ते आपदा पीजी वगैरह भी लै सकते हो। चलो फिर आप आने ये 10 बजे तो लैके बच्चों अपने दे सैशन चलिया करनगे। मन के चलो भी 10 to 2 अपना ये पैटर्न होगा। तो आम तौर जो बच्चे ने अपने आस पास फॉर एग्जाम्पल मानसा जिले तो आना है, बरनाले तक दे आना है, इधर गुंजाणा गिदड़बाहा तक, इधर डाबाली तक बच्चे हैं, वो भी ईजली हूँ गर्मियाँ आ गई आपके घरों भी पहुँच सकते हैं। विदिन 1 आवर का सफर 9 बजे चल के पहुँच सकते हैं। तो घर भी आप देखिए भी 3 बजे वापस जाके 4 बजे वधिया रीफ्रैश होके आपका पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जो तुम मान लो जमी सब कुछ त्याग के पढ़ना चाहते हो तो तुम आपका इतने बैठ के भी पढ़ सकते हो। अपनी बिल्डिंग्स सारा काम की है तेजी का काम ही होंगे भी एक बार चलो आप ठीक है। जिम्मे आप कह दें भी साध बनता भी बननी है साध आप भी पढ़ाई से आप तपस्या करनी है तो फिर आप डट के ही करा आप ठीक है ना। होर भी थोड़े कोई डाउट है हो सकता मैं कुछ गल्ला तुम ना दस सकिया होवान थोड़ा दिमाग किसी होर तरीके काम करता ना। हर जिन्हें बंदे उन्ने दिमाग होंगे है जिम्मे जिन्हें मूँह उन्न गल्ला कह दें मेरे अकॉर्डिंग जिन्हें अपने बंदे उन्ने दिमाग भी होंगे ना मूँह थोड़ी होंगे। तो कुल मिला के तुम आपका बचो कोई भी चीज़ आपके कमेंट सैक्शन के पुछ सकते हो। हुण मेरी अनाउंसमेंट सब तो वड्डी यही है भी इन बैचों के सोनू कोई आई नहीं भी आप तूड़ियों लद लाँगे तो मुड़ के अपनी आई ना निगाह रहे भी कितने कौन बैठा है कोई बैठा तो पढ़ भी रहा है आई नहीं पता पता तो थले मोबाइल ही कड़ी बैठा हो आप हॉच पॉच भी नहीं करना। मेरा मेन मकसद परसनल तौर पर यही है बेशक जी मैंने बैच ज़्यादा बनाने पै जान बट एक बैच के आप कंडीशन रखा भी 60 के आस पास स्टूडेंट ही रखा। मैं थोड़ा फिर की कह कारण सिंपल है कि घट्टो घट 60 बच्चे भी वैसे तो यह भी एक्सैस है आम तौर पर जो अपने संकेत सर है ये दिल्ली के है समझ मेरी गल मतलब इन्होंने आपकी सारी जिंदगी दिल्ली बताई है उत्थे इन्होंने पैटर्न देखे उत्थे पढ़े आ उत्थे इन्होंने ऐसा मतलब नाल भी इन्होंने उतर की है काम किया हुआ टीचर से बड़े टीचर खास करके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखे कैरियर बिल्डअप प्लेटफॉर्म या होर बहुत प्लेटफॉर्म देखे होंगे सारा तजर्बा इन्होंने टीचर को उत्थे तक 1000 बच्चा भी एक क्लास बह जाए कमाल भी 1000 बच्चा बट वो कहना टीचर भी उत्थे कोई सिरदर्दी नहीं भी पढ़ना पढ़ो उन्होंने फीसा ही इनिया होंगे बच्चे का फीस भर लगे डांट निकल जाता है तो बंदा सीरीयस होंगे बंदा की होंगे कहना सीरीयस होंगे उसे फिर भी हलचल घट होंगी है। बट हाँ जो केरा कोई छिड़ दे चिंचा हड़ा पै जाए फिर 15 मिनट लग जाए चुप कराने वो तो मैंने लगता है कि 60 बच्चों की ही आप बचो क्लास रखा इतों ही पहला आप बैच स्टार्ट करा स्पैशल 60 होगा 26 नहीं है ये स्पैशल 60 है। तो जिन्हें बच्चों ने चौ मतलब पक्का मन बनाया हुआ है पहला कोशिश करना भी जो सीरीयस बच्चे है तो मन बनाया हुआ है वो तुम बचो आए इस नंबर पर कॉल करनी है कॉल मैं की कह रहे हैं कॉल करनी है मैसेज नहीं करना कॉल करनी है इस नंबर पर आपकी सीट न कन्फर्म करना है क्योंकि जो भी 60 बच्चे हो गए फिर आप पैटर्न उन्हें टाइम टेबल ये अकॉर्डिंग ही होगा उन्हें टाइम टेबल होर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनूंगा उसमें मंडे में इतना आप दस भी देवे भी उन्होंने फिर 11 to 3 बनेगा ज 12 to 4 बनेगा। हाँ एक स्लॉट के आप डिसाइड करा भी बेस्ट 60 स्टूडेंट तो ये आप मैक्सीमम सिलेक्शन दवाई है इन्ना हार्डवर्क करा प्रैक्टिस सैशन मॉक टेस्ट सारा कुछ कंप्लीट पैकेज होगा कंप्लीट पैकेज है कंप्लीट तैयारी होगी। सब तो बड़ी गल की है हम इस समय भी बंदा बैच तो ला लेंद फिर प्रैक्टिस की बड़ी कमी होंगी है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एक असी पिटी लैंड लखा करोड़ों बार सुनी होगी बट ये लैंड बड़ी हैल्पफुल होंगी है खास करके अपने कंपीटेटिव एग्जाम्स के लिए ठीक है ना। तो सारा कुछ भी बच्चे आप देखा तो फाइनली बस तुम मैं अज के सैशन से यही दसना चाहना है कि भाई तुम इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट कन्फर्म कर सकते हो कॉल करनी है मैसेज नहीं करना तो आप एड्रैस वैसे प्रॉपर तरीके कल तक या परसों तक वीडियो आप होर शेयर कर देंगे। एड्रैस अपना बच्चों काफ़ी सिंपल है सीधा जो तुम आओगे बस मेन अजीत सिंह रोड पर अपना की है एड्रैस होगा ठीक है मेन रोड पर होगा अपना। तो ठीक है कि होर तुम आपकी कोई गलबात पूछनी है शेयर करनी है हाँ कोशिश करना है भी हुण इस वीडियो नू आपके दोस्तों मित्रों के नाल हर थान पर शेयर करना है हर ग्रुप के शेयर कर देना है जेडे कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते है। मैं फिर कह रहे हैं ऑनलाइन वास्ते भी अपना बहुत बैचेस अपने चल रहे हैं ऑफलाइन वास्ते भी जे तुसी देखना है तो बच्चों मन के चलो भी अपना
आ बैच तुसीं ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन वास्ते। ऑनलाइन वास्ते भी अपना स्पैशल पंजाब पुलिस बच्चों बैच स्टार्ट है। जिहड़ा बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है ना, फिर एक गल उही दोहरा रहे हैं, उहदी तां कोई रीस ही नहीं। जिहड़े बच्चे ने ऑनलाइन घरे बह के तैयारी करनी है, मैं कहना वह बंदा एक स्टैप अगे रहू भी रहूगा। हुण जिहदी नजायज़ ही मजबूरी बनी पई है भी साढ़े भाई तुसीं, जे मैं बच्चे कहिंदे आ साढ़े घर तुसीं पढ़ के दिखाओ, साडी तां दूर दी गल है। उत्थे तां हुण लगदा ही है भी यार गल्लबात उहनां दे घरे घैंट ही हो रही है ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੈਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।